मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी क्षेत्र निवासी एक पीड़ित नाबालिग युवती के परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री से गांव के ही एक युवक द्वारा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई गई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि विगत दिवस पूर्व जब पीड़ित अपने खेत पर गए हुए थे तो उनके घर में उनकी नाबालिग लड़की अकेली थी। इस दौरान गाँव के ही युवक द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी युवती से जबरन छेड़छाड़ की गई। नाबालिग व्यक्ति द्वारा शोर मचाने पर गाँववासी वहां इकट्ठा हो गए। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की सूचना पुरकाजी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार तो किया मगर मुकदमा दर्ज कर जेल नहीं भेजा एवं फैसला कराने का दबाव बनाया। आज आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित नाबालिग युवती के परिजन मुजफ्फरनगर के एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोपी युवक पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। अंदर ले गए, मैं लड़ जबरदस्ती करी, मैंने किल्ली मेरी, लोग इकट्ठे हो गए थे, मेरे कपड़े भी पैड़े। कौन थे वे लोग? मोहित नाम का लड़का था, जीवा का, उसके पापा का नाम पवन है। किस कब की घटना है? क्या 3 बजे की? कल की? परसों की। परसों? हाँ जी। तो थाने में गए आप? गए थे। कौन सा थाना पड़ता है? पुरका जी। थाने में क्या कहा पुलिस ने? ये बात बताई थी पुरका जी भी। क्या कह रही पुलिस? पुलिस ले गई थी ठेका उसे। मैंने मई हुआ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहूंगी मैं भी। आज आप एसएसपी ऑफिस आए थे, क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा एसएसपी साहब? इन्होंने कहा बयान दुआ बयान दुआ उस लड़की के नहीं था। अब आप क्या चाहते हैं? पापा भी हैं, चाहो कैसी चाहो, पापा भी। मेरी भतीजी जी, मेरे भाई की लड़की जी, हाँ चल उसका नाम हो, हम खेत में गए थे जी काम करने। लड़की के लिए अकेली थी, अकेली घर में ही रह रही थी जी, और बरामदे में सो रही थी जी। एक लड़का आया जी मोहित कुमार, पापा का नाम पवन कुमार जी, उसने लड़की को पकड़ कर मुँह बोच कर बरामदे में था कमरे में ले गया जी। कमरे में ले जाकर कुंडा बंद कर दिया। कुंडा बंद करने के बाद उसका नाड़ा तोड़ा जी, कपड़े पैड़े जी, और उसने अगर शोर मचाया तो मोहल्ले के लड़के आगे जी बंदे, उन्होंने उसकी जान बचाई जी। हम फिर थाने में गए जी, थाने में तो लड़के को वो ले आई पुलिस उठा कर जी, गांव से जी, और गांव से उठाने के बाद लड़का थाने में बैठा रखा जी। अब जो ना तो मुकदमा दर्ज करा जी, ना कोर्ट भेज जा जी, हमें कह रहे जी कोर्ट में चले जाओ, बयान कराओ, हम कहाँ कराऊँ जी, ना तो मुकदमा दर्ज करा जी। पुलिस साहब ने वहाँ पूछा कि मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हैं जी? वो कह रहे हैं जी फैसला कर लो पहले। कौन सा थाने का मामला? पुरका जी थाने का मामला जी, गांव नून नगर जी। एसओ क्या कह रहा है? एसओ साहब कह रहे हैं अभी तक अखनों को फैसला कर लो। कल गए जी हम शाम के टाइम, अब यहाँ क्या करना आ रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के करके अपने घर भाग जाओ, फैसला कर लो। कल दम क्या हम भेज दी, हम यहाँ आस पास यहाँ सी आई जी कार्यालय मुजफ्फरनगर, और यहाँ कह रहे जी कि मुकदमा दर्ज कराओ, वहाँ कोर्ट में बयान करो, हम कहाँ कर रहे जी, ना तो मुकदमा दर्ज करा जी। अभी तक लड़का वो वहीं बैठा रखा जी, हम कोर्ट में कहाँ चले जाए जी? क्या चाहते हैं आप? हमने चाह जी हमारे लड़की के साथ जो किया जी, मुकदमा दर्ज कराएगा जी, उसे जेल भेज दो जी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।